नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस समय सबसे बड़ा सबूत मिल चुका है मलिष्का को, और मलिष्का बोलती हुई नजर आ रही है कि अगर तुम्हें ये लग रहा है विक्रांत कि मेरे पास में सबूत नहीं है तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मेरे हाथ में मोबाइल है और इसमें पूरे सबूत हैं, जो कि मैं आप सभी घर वालों को बताऊंगी कि तुम्हारी असली सच्चाई क्या है। तुमने ऋषि की जान लेने की कोशिश की है तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि समय बहुत ही ज़्यादा गर्म मिजाज में नज़र आ रही है मलिष्का, क्योंकि दोस्तों मलिष्का ने बोल दिया है कि मैं कुछ भी सहन कर सकती हूँ लेकिन कोई ऋषि पर अटैक करे ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्द ही आप लोगों के बीच में कहानी में एक नहीं बल्कि कई और भी ट्विस्ट देखने को मिलते हुए नज़र आने वाले हैं, जहां पर सभी लोगों को मानना यह है कि जो हो रहा है वो वाकई में दोस्तों बेहद ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में नज़र आ रहा है और वो बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं। आप लोग जानते ही हैं कि सभी लोगों का मानना यह है कि जो हुआ है अभी तक वो भी ठीक नहीं हुआ है। जैसा कि सभी लोगों को पहले भी पता है कि कभी भी कुछ भी होता रहा है, लेकिन इस बार जो हो रहा है वो वाकई में कहीं ना कहीं शॉकिंग है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्द ही आप लोगों के बीच में एक और भी नया ट्विस्ट देखने को मिलता हुआ नज़र आने वाला है, जिसमें साफ साफ लक्ष्मी बोलती हुई नज़र आने वाली है कि जो होता है वो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए होता है। और आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि लक्ष्मी की शादी विक्रांत से पूरी तरीके से कैंसिल होती हुई नज़र आने वाली है। कैंसिल होने के पीछे रीज़न तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं विक्रांत की सभी लोगों के बीच में सच्चाई सामने आना कि वो कितना बड़ा गद्दार है, फ्रॉड है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसे लगी आपको मेरी वीडियो। थैंक।